हम सफर समाज सेवी संस्था इंदौर के द्वारा संत रविदास के अनुयायियों के विवाह योग्य युवक युवतियों के निःशुल्क परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष हरिनाम दास चंद्रपाल व महामंत्री हरिनंदन टटवाड़ी ने बताया कि दो दिवसीय परिचय सम्मेलन प्रातः 11 बजे संत रविदास धाम विजयनगर पुलिस थाने के सामने मंगल सिटी के सामने खुले मैदान पर संपन्न हुआ। संस्था के पास 500 से अधिक युवक युवतियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। प्रविष्टियों में सामान्य के साथ विशिष्ट युवक युवतियों की प्रविष्टियां भी प्राप्त हुई थी। इस दौरान युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवतियां अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुए। आयोजन का यह द्वितीय वर्ष था। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट पिंकी सुनहरे ने किया। मैंने तो पूरी पढ़ाई की हुई है पर मेरे को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मेरे को 10 साल पढ़ा हुआ भी लड़का चलेगा, पर उसका काम नाम अच्छा हो और घर परिवार से सक्सेस हो तो मैं मेरी लड़की को दे सकती हूँ बढ़िया और अच्छी रहे। ये सब लगे आज का मौसम सुहाना लगे, एक पल चुरा ले अगर बुरा ना लगे, आप हमें मिलकर भूल जाएंगे लेकिन आप लोगों को बुलाने में शायद जमाना लगे। ऐसा ही माहौल इस मंच पर व्याप्त है और इस पंडाल में व्याप्त है। मेरा सभी आगंतुकों को हार्दिक वंदन अभिनंदन है। हम सफर समाज सेवी संस्था इंदौर के माध्यम से संत रविदास वंशी समाज के होनहार परिवारों के युवा योग युवतियों का द्वितीय परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके अंदर मूक बधिर दृष्टिहीन विधवा परित्यक्ता सामान्य सभी को शामिल किया गया है और ये संस्था का दूसरा वर्ष है। ये इसमें कम से कम 500 प्रविष्टियाँ प्राप्त हो चुकी हैं जो कि किताब में दी जा चुकी प्रविष्टियाँ। इंदौर से बाहर है, देवास है, उज्जैन है, सीहोर है, विदिशा है और एक तो मतलब वहाँ से आएगा, दाहोद से भी आए हैं। हमारे समाज में जो कि इस परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, एक ही मंच के नीचे समस्त परिवार मिल सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा आयोजन है संस्था हम सफ़र द्वारा और ऐसे अन्य कई संस्थाओं द्वारा परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, परंतु युवतियाँ ऊपर आने में, मंच पर आने में और ज़्यादातर युवक युवतियों की अपेक्षा युवक शर्माते हैं। चूँकि युवतियों का गहना शर्म होती है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी युवतियाँ अपने को परिचित करवाने, क्योंकि यह एक सामाजिक मंच होता है, परिवार का मंच होता है, तो यहाँ शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारे बारे में बताने में कोई हिचकिचाहट या गलती महसूस करता है तो बहुत हमारे परिवार जैसे ही यहाँ संचालक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। तो सम्मेलन की सार्थकता को लेकर क्या कहना है? इस तरह के परिचय सम्मेलन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सार्थक सिद्ध हुए हैं। चूँकि रिश्ता ढूंढने के लिए, अपने परिवार में युवक या युवती के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जगह जगह जाने के बजाय, तलाश करने के बजाय एक ही छत के नीचे समस्त परिवार, समस्त समाज बंधु यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और जो कि विवाह योग्य युवक युवतियों को यहाँ चयन कर सकते हैं।